अप्रैल और मई यूपी में ये दो महीने इतना धमाल रहता है, शादी विवाह पार्टियों का इतना माहौल रहता है कि जितने भी युवा हैं सब इंडिया में, दुनिया में, किसी भी कोने में सब यूपी पहुंचते ही हैं। और जो कारखानों का हाल होता है, लास्ट नगर है, जैसे अब दिल्ली है, मुंबई है, तो यहाँ के जो कारखानों में काम करते हैं ज़्यादातर 80% लोग यूपी और बिहार के रहते हैं। जींस की जो फैक्ट्रियां हैं, जो जींस के कारखाने हैं, उनमें 30 से 35 लोग जो काम करते हैं। और जैसे ही अप्रैल और महीने का मौसम शुरू होता है, इन कारखानों के हालात देखिए आप, दो से तीन लोग, चार लोग काम करते हैं, बाकी पूरा वीरान सा पड़ा रहता है। तो यही टाइम है, ये दो से तीन महीना जो टाइम है वो मेकरों के लिए, जो जींस का मेकिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही हार्ड रहता है, बहुत ही प्रॉब्लम वाला रहता है, क्योंकि उनके खर्चे भाड़े सब लागू रहते हैं और उनकी कुछ तकलीफें होती है। आज कारखाना आपको दिखा रहा हूँ कि मार्च और महीने में कारखाने होते कैसे हैं, यहाँ कितने कारीगर हैं जो काम करते हैं और कितने कारीगर रहते हैं, तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं इधर तीन मशीन है और ये सब पूरा कारखाना मशीनों का सेट है, तो 30 से 35 कारीगरों का सेट है। देख सकते हैं पूरा कारखाना खाली है। ये महीना मई और अप्रैल और मई पूरा ऐसा ही सुनसान रहता है। लगभग उल्लास नगर में जितने भी कारखाने हैं उनका सब का यही हाल है। किसी भी कारखाने में 35 से 40 का सेटअप हो या 10 से 15 का सेटअप हो, हर कारखानों में 2 से 3 से 4, लास्ट 5 से 10, इससे ज़्यादा कारीगर ये अप्रैल और मई महीनों में नहीं मिलते। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस टाइम यूपी में शादियों का बोलबाला रहता है, गर्मियों के सीजन में भी वहाँ शादियाँ खूब धूम धड़ाके से होती हैं और इस वजह से यहाँ का जो वर्किंग यूनिट है वो पूरी तरह एक प्रकार समझिए कि बंद रहता है। और ये हालात तभी सुधरते हैं जब मई बीत जाता है, जून स्टार्ट हो जाता है, तो कारीगर जो है जून में आने लगते हैं। लेकिन तब तक महाराष्ट्र में 15-16 जून से बारिश चालू होने लगती है, काम पूरी तरह लगभग कम हो जाता है। तो ये दो महीना ये शादियों की वजह से और दो महीना बारिश की वजह से, दो से तीन महीना जो बारिश का पीरियड होता है उसकी वजह से उल्लासनगर के जो कारखाने हैं वो पूरी तरह स्टार्ट नहीं हो पाते, पूरी तरह चल नहीं पाते। इस वजह से यहाँ का जो मेकर है, जो जींस का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेकिंग करते हैं, फिर 4 महीनों में उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। पेमेंट बेसिस, काम बेसिस, लगभग हर तरफ से उनको प्रॉब्लम होती है। और दो चार कारीगर बचते हैं, तो इनका या तो ये 2-4 महीने पहले आ गए होते हैं, या तो घर का जो माहौल रहता है पैसे का उस वजह से, या तो ये लोग वैसे होते हैं जो फटाफट शादियों का काम निपटा के फटाफट कारखानों में आ जाते हैं कि भाई उनका काम हो गए, घर अच्छा से चले और कमा ले। जैसा आप देख सकते हैं, आपको दिखाया है, हेल्पर नहीं, इस टाइम हेल्परों की कमी होती है, कारीगरों की कमी होती है और काम भी उतना रहता नहीं है, क्योंकि जो ख़रीदारी होती है शादियों की लगभग हो जाती है, जो रिटेलर हैं अपना माल लगभग खरीद लेते हैं। तो ये महीना पूरी तरह लगभग ऐसे ही जाते हैं। देख सकते हैं पूरी तरह खाली।
यूनिट की हालत है अप्रैल और मई महीनों में, इसके बाद बरसात शुरू हो जाएगी, वहाँ भी काम लगभग लगभग ठंडा ही रहता है जींस का जो मैन्युफैक्चरिंग का है। दोस्तों आज आपको लाइव दिखाया हूँ जींस कारखाने अप्रैल और मई में कैसे होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये थोड़ा वीडियो अलग लगा होगा। दीवान गारमेंट को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।